वेलकम इन्वेस्टर्स, वेलकम ट्रेडर्स, अर्न विथ स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 29 मई 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम वोल्टास के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये विप्रो का वीकली चार्ट है और इस वीकली चार्ट पे यहाँ पर हमें 8 फरवरी 2021 से जो वीकली कैंडल है वहाँ से हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने रेड कलर के एक लाइन से यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। और उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो विप्रो में यहाँ पर एक वीकली डिमांड जोन है जो अभी मैं आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो एक ब्लू कलर का रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, 958 से लेके तो 900 का एक वीकली डिमांड जोन है। और आप देखेंगे कि प्राइस वीकली डिमांड जोन में आने के बाद यहाँ पे हमें बाइंग आता हुआ दिख रहा है और अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस भी अपसाइड हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब चलेंगे हम इससे हायर टाइम फ्रेम पे, मीन्स मंथली चार्ट पे। और अगर 2 मंथ के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो प्राइस ने एक लो बनाया था 918 का और इस मंथ के फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन से प्राइस जो है वो हमें अपसाइड मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो 3 वीक का जो सॉरी यहाँ पर जो मंथली ट्रेडिंग सेशन है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और इस मंथली कैंडल को अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर इस मंथली कैंडल में एक बुलिश कैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा है। वॉल्यूम्स की बात करेंगे तो पिछले मंथ के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स इस मंथ के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड हुए हैं। अब चलते हैं हम इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे, मीन्स डेली चार्ट पे। और अभी जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये वोल्टास का डेली चार्ट है। अब इस डेली चार्ट पे अगर आप क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पर एक सप्लाई है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक सप्लाई ड्रॉ कर लेता हूँ। सप्लाई वो एरिया होता है जहाँ पर प्राइस आने के बाद शार्पली सेलिंग वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, प्राइस नीचे आता है 1080 से लेकर तो 1050। ये जो एक रेड कलर का रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये एक सप्लाई है। और उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो ये जो बड़ा सा आपको ब्लू कलर का रेक्टेंगल दिख रहा है ये एक वीकली डिमांड जोन है और उस वीकली डिमांड जोन में यहाँ पे एक डेली डिमांड जोन बन चुका है। आप देखेंगे कि इस वीकली डिमांड जोन के अंदर ही लगभग 962 से लेकर तो 938 ये जो आपको ब्लू कलर का रेक्टेंगल देख रहे हैं ये एक डेली डिमांड जोन है जो नेस्टेड है अपने वीकली डिमांड जोन के अंदर। तो अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में प्राइस अब यहाँ से एक स्विंग लो बनाते हुए अगर नीचे आता है और ये जो लो है 975 का इसको ब्रेक करते हुए लगभग 963 के आसपास आता है तो हम यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और उस कंडीशन में इमीडिएट बेसिस पे फर्स्ट टारगेट होगा 1024 का, सेकंड होगा 1030 का एंड थर्ड होगा 1033-35 रुपीज़ के आसपास का। ये शॉर्ट टर्म के लिए हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे, मींस आवरली चार्ट पे। और वहाँ पर देखेंगे कि ऑन आवरली बेसिस पे अगर हमें कोई जो डेली डिमांड जोन है, वीकली डिमांड जोन है, यहाँ अगर हमें कोई फ्रेश डिमांड जोन दिखता है तो हम वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये आवरली चार्ट है वोल्टास का और आवरली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो 958 से लेकर तो 943 का एक आवरली डिमांड जोन है। और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से प्राइस अगर फिर से इस डिमांड जोन में आता है जो कि आवरली डिमांड जोन है, यहाँ अगर आता है तो हम यहाँ पर ऑन आवरली चार्ट पे कंफर्मेशन के साथ में एक स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 1024 का, सेकंड होगा 1030 का एंड थर्ड होगा 1030-35 का। तो ये था वोल्टास का डिमांड सप्लाई बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस। ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।